केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची नरपतगंज नगर पंचायत नरपतगंज के वार्ड संख्या 17 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी राजकुमार पासवान, जिनका चुनाव चिन्ह है कैमरा छाप, एवं उनके जनता से हमारे संवाददाता उनका झा की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता उनका झा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। आपका चुनावी दंगल में स्वागत है। अभी हमारे बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो गया है। दूसरे चरण का मतदान 28 तारीख को होना है और उसकी मतगणना 30 तारीख को होगी। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ अररिया जिला के नरपतगंज में है और यहाँ पे वार्ड नंबर 17 में मेरी मुलाकात राजकुमार पासवान जी से हुई, जो कि पिछले 20-22 वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। पद पे नहीं भी थे तो समाज का कल्याण कर रहे थे और इस बार अगर पद पे आ जाते हैं तो समाज का और भी कल्याण होगा। अब हम इनसे ही बात करते हैं कि चुनावी मैदान में क्यों आए, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लाख लाख धन्यवाद जी। आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? चुनाव मैदान में हम विकास के मुद्दा पर आए हैं जी। हमारे वार्ड में पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, जल, नल, नाला, रोड सभी समस्या हैं जी। तो हम वार्ड में विकास के लिए अपना गरीब ऊर्जा जितना रहा है सबको विकास के लिए हमने खा हुए जी। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। आप विकास मतलब जनता की सेवा और वार्ड के विकास के लिए अपने वार्ड में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? समस्या है जो जल नल अभी जो दिए हैं वो भी पानी नहीं जा रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कि कोई विधवा को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री का अथी से आया वो भी नहीं मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, रोड नहीं है, नाला नहीं है। तो यही मेरा सारी समस्या है, यही सारी समस्या। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, वार्ड नंबर 17 की जनता आपको अपना वार्ड पार्षद बनाती है, तो उनके लिए आप क्या क्या काम करेंगे सर? 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप जनता को समर्पित करेंगे। सबसे पहले तो हम जितना गरीब उसके लिए हम इंदिरा प्रधानमंत्री आवास लाएंगे जी, वृद्धा पेंशन दिलाएंगे जी, राशन दिलाएंगे जी, किराशन दिलाएंगे जी, और रोड और नाला और जल का कमी है जी, सारा चीज को मैंने पूरा करूंगा। महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाइए? महिलाओं को जी जगजागरण में मान लीजिए घर घर हम जा करके सभी महिलाओं को कहते हैं कि जागरूक हो जाओ जी, जागरूक हो जाओ जी, सबको पूरा जो जिस लायक का है उसको वो सुविधा हम सरकार से दिलाएंगे जी। बहुत अच्छी बात। आइए अब इनके एक समर्थक हैं शिव भूषण जी। शिव भूषण जी, आप ये बताएं, राजकुमार पासवान जी चुनावी मैदान में आए, इन्होंने समस्या भी बताया, समाधान भी बताया, यहाँ इनमें सत्यता कहाँ तक है? देखिए, सत्यता की बात है कि जहाँ तक है अभी चुनाव लड़ा चुका है जी, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी मैंने कैरिकुलम किया हूँ उसमें इसका रिजल्टेंट बेहतर नहीं है जी। और मैं और इसलिए इनके साथ मैं एक बार बोलना चाहता हूँ उस पर कि डेमोक्रेसी में तो सभी लोग लड़ते हैं और जनता से वादा करते रहते हैं और उसको ठगते रहते हैं। बहुत तो वर्तमान इशू जो है यहाँ रैन बसेरा की कमी है, अधिकांश लोग ठेला चालक है, सब्जी बेचने वाले हैं, तो उसके लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। अभी ठंड के दिनों में देख लीजिए कितने लोग को ओढ़ने के लिए कंबल की व्यापक दिक्कतें हैं। नेता तो बहुत चुनाव लड़के चले जाते हैं लेकिन गरीबों की लीडिंग करता है। हमारी महिलाएं जो बेटियां हैं वो बैचलर एजुकेशन नहीं ले पा रहा, जो कि यूनिवर्सिटी की जो इनरोलमेंट रेशियो है वो शहरीकरण और ग्रामीणकरण में भी डाउन चला जा रहा जी। इसके लिए यहाँ पर एक कॉलेज का भी स्थापना हो जी। और ये तमाम मुद्दे हैं और मैं इसी के साथ में चाहता हूँ अगर जीते तो हम इनके साथ
सरकार से जो उसकी लड़ाई होगा, हक और अधिकार के लड़के, और ये हायर एजुकेशन को इन्वॉल्वमेंट रेशियो भी बढ़ाएंगे ताकि लोग साक्षर होंगे, तभी हमारा समाज और राष्ट्र विकसित होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वर्तमान स्थिति में जॉब नहीं मिल रहा, तो जॉब क्यों नहीं मिल रहा, हम लोग को एजुकेशन रेट अगर बिलो चला जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो वो बच्चे क्या होगा, आज तो बिहार लेबर मजदूर बना रहा है जी। तो इस पर हमको काम करना है ना, एजुकेशन को हायर बनाना है ताकि लोग पीजी करे, पीएचडी करे, अच्छे एजुकेशन लेकर समाज को आगे चले। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इनके साथ हूँ और आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर एक बार चुनाव, जनता को इनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीत के आते हैं, यहाँ की जनता इनको अपना वार्ड पार्षद बनाती है, तो ये मतलब विकास की गंगा बहा देंगे, घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचारी बंद होगी, जो बिचौलियों का आदान प्रदान है वो खत्म होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, वृद्धजनों का सम्मान होगा, कहने का मतलब सिर्फ विकास होगा, जनता का विकास होगा, ये निस्वार्थ काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे, बाकी देखते हैं जनता इनको कितना समर्थन कर पाती है। क्या नाम है आपका? राजकुमार पासवान। आपका चुनाव चिन्ह? कैमरा छाप। क्रमांक संख्या? 17। क्रमांक संख्या 9, वार्ड नंबर 17। बाकी मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, आप उसमें फंसिएगा नहीं। ये राजकुमार जी के कुछ समर्थक हैं, मतलब ग्रामीण है, वोटर हैं, उनके समर्थक मैं नहीं कह सकता, वोटर हैं, वो उनके बारे में क्या बोलते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार ठाकुर। नंदन जी, आप ये बताएं, आप राजकुमार पासवान को ही वोट क्यों देंगे? ये अच्छा आदमी है, काम किए हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। पैसे भी तो नहीं मिले? नहीं ना। इनका चुनाव चिन्ह क्या आपको मालूम है? कैमरा छाप है इनका चुनाव चिन्ह। कैमरा छाप। इनमें और ऐसी एक खूबी बताएं जो इनको जनता समर्थन कर पा रही है? सब दिन जनता के लिए किए हैं जी, सब दिन जनता के लिए किए हैं, इससे पहले भी रहे हैं, जनता के लिए अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है भाई आपका? विजय कुमार। विजय भाई, ये बताएं, राजकुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको वोट क्यों दीजिएगा? वोट इसलिए देंगे क्योंकि वो जो है आगे चल के हमारे लिए काम अच्छा कर रहे हैं, पढ़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले से, मतलब ये 2005 या 4 से लगे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं और समाज का कल्याण करते आए हैं और आगे करते भी रहेंगे, इसलिए इनको चुने हैं और समर्थन कर रहे हैं। इनका एक नारा और है, कर्म ही पूजा है। देखते हैं जहां तक सपोर्ट मिल सकता है इनको, बाकी जनता मालिक है। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।